बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट ऑफ आवर टुडेज लेसन, यू मस्ट हैव दीज थ्री बुक्स, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 5, रिसोर्स पैक 5 एंड समर पैक फॉर क्लास 5। हम जो है मेन टेक्स्ट टेक्स्ट बुक से यूज करेंगे और इसी से स्टडी करेंगे। जो रिसोर्स पैक है ये टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है, इसमें गाइडेंस है कि किस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना है। समर पैक में से आपने वो काम करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है। स्टूडेंट्स, चले तो बुक की तरफ आते हैं। यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में है। इसमें हमने टॉपिक 1.1 ये कंप्लीट कर लिया था, 1.2 भी कंप्लीट कर लिया है, 1.3 में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है अपनी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 1.4 है ये हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन लास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग बोर्ड मैथ रूल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ आए। प्रीवियस वाला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें जो SLOs है, SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट SLO जो है वो डिवाइड नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय अ 2 डिजिट एंड अ 3 डिजिट नंबर एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मिक्स्ड ऑपरेशंस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हमने कुछ मल्टीप्लीकेशन की प्रॉब्लम मल्टीप्लीकेशन वाले टॉपिक में कर ली थी जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स थी। अब यहां पर हम लोग जो है डिवीजन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन करें। डिवीजन के बारे में आपको पता है कि डिवीजन का मतलब है कि चीजों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिवीजन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अब यहां पर देखें, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 4 डिजिट्स की डिवीजन सीखी थी बाय 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट्स बाय 2 डिजिट नंबर, हमें सिंबल का भी पता है जो हम लोग डिवीजन के लिए सिंबल यूज करते हैं। डिवीजन के लिए सिंबल ये है। डिवीजन सिंबल और जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं उसके लिए हम लोग ये वाली सिंबल यूज करते हैं। अब इस क्लास में हम लोगों ने जो डिवीजन सीखनी है वो 6 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करना सीखना है अप टू 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर तक, और प्रोसीजर वही सेम है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में यूज किया था। एक चीज आपने याद रखनी है, जो डिवीजन है वो रिवर्स प्रोसेस है ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रिवर्स प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आपने एक चीज देखनी है, ये बिल्कुल उसी तरह रिवर्स प्रोसेस है जिस तरह सब्ट्रैक्शन जो है वो रिवर्स प्रोसेस था एडिशन का। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे डिवीजन को, डिवाइड करना नंबर्स को। चले तो जरा पेज नंबर 17 पे आए। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहां पे दी हुई। इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले आप बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं कि नंबर्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है, 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट के ऊपर और 1 डिजिट के ऊपर, और प्रोसीजर हम लोग सेम यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जे वाली एग्जांपल्स को करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डिवीजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने बुक पे भी देखा कि डिवीजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जिस तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन रिवर्स था एडिशन का, जब हमारे पास मैक्सिमम चीजों की वैल्यूज गिवन हो और हमने किसी सिंगल चीज की या उसको किसी पार्ट्स में वैल्यूज को डिवाइड करना हो तो उस वक्त हम लोग डिवीजन यूज करते हैं। अब यहां पर देखें, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था डिवीजन क्या है, कि डिवीजन जो है 4 डिजिट नंबर्स को अप टू 2 डिजिट नंबर तक हमने सीखा था। अब बट यहां पर हम लोगों ने 6 डिजिट नंबर्स को
देखना है अप टू टू एंड थ्री डिजिट्स, टू डिजिट्स और थ्री डिजिट्स तक आपने देखना है इसको करके। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, प्रोसीजर सेम वही है कि आपने डिवाइजर को आइडेंटिफाई करना है, आपने डिविडेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने डिवाइजर का जो है वो टेबल साइड पे राइट कर देना है। और उसके बाद टेबल राइट करने का मकसद ये होता है कि आपको आसानी हो अंडरस्टैंड करने में, ताकि आप जो है प्रोसेस अपना क्विकली कर सकें। अब देखें इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको मैं टू डिजिट नंबर के साथ सॉरी थ्री डिजिट नंबर से ही डायरेक्टली करूंगा, क्योंकि टू डिजिट हम लोग पहले जो फोर डिजिट नंबर्स थे उनको टू डिजिट पे करना सीख चुके हैं। अब हमारे पास सिक्स डिजिट नंबर्स हैं, अप टू सिक्स डिजिट, उनको हम लोगों ने टू एंड थ्री डिजिट से करना है। अगर सिक्स डिजिट नंबर हमारे पास होगा और उसको हम लोगों ने टू डिजिट नंबर से सेम प्रोसीजर से करना है जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, बट यहां पर जो थ्री डिजिट नंबर है मेथड वही है, बट यहां पर नंबर्स के जो डिजिट्स हैं वो चेंज है। अब यहां पर देखें के 5 6 7 8 2 1, ये मेरे पास एक नंबर है, इसको मैंने डिवाइड करना है, डिवाइड 5 6 567,821 बाय 302। ये आपके पास थ्री डिजिट नंबर है और ये आपके पास सिक्स डिजिट नंबर है। हम अप टू सिक्स डिजिट का मतलब होता है कि सिक्स डिजिट वाला नंबर भी इंक्लूड होगा, उससे 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 पहले फाइव डिजिट वाला भी हो सकता है, फोर डिजिट वाला भी हो सकता है, वन डिजिट सॉरी थ्री डिजिट भी हो सकता है, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं। अप टू का मतलब यह है। अब यहां पर देखें, ये आपके पास आइडेंटिफाई करें डिविडेंड कौन सा है, ये दिस इज योर डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर, बाय के बाद जो नंबर आएगा वो डिवाइजर होता है। अब यहां पर देखें 5 6 7 8 2 1, डिवाइड करें इसको 302, ये आपके पास डिवाइजर है और ये आपके पास डिविडेंड है। अब आपने क्या करना है, डिवाइजर का टेबल रफ में राइट कर लेना है, 302 वन जा 302। अब यहां पर देखें 302 बाय 2 जा 2 2 4, 3 2 6, 303 बाय 2 3 3 2 6, 3 3 9। सिमिलरली 302 बाय 4 4 3 12, 1 आ गया, 4 1 4 0 0 0 + 1 1, 4 3 12, आपके पास ये चीज बन गई। अब यहां पर देखें कंटिन्यू आप 10 तक ले जाएं, नहीं तो 5 तक राइट करें, 5 तक राइट करने के बाद आपके पास जो है, अगर मैं 10 तक लेके जाता हूं इसको तो मेरे पास ये चीज बनेगी, थ्री जीरो टू जीरो। अब यहां पर देखें, आपने इस टेबल को वहां तक रीड करना है कि आपके पास जो थ्री डिजिट के नंबर हैं या तो इनको कंप्लीट करें या इससे लेस होना चाहिए। इससे लेस कौन सा, अगर मैं टू पे से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 604 बनता है, जो कि इस नंबर से ग्रेटर है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको वन के साथ रहने दूंगा, वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, 302। अब इस वाले को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 2 5 6 - 0 6 5 - 3 5 - 3 2। अब आपके पास आ जाता है 265। ये 265 जो है ये लेस है, 302 ग्रेटर है। तो मैं क्या करूंगा, साइड से वन डिजिट नीचे लेके आऊंगा, एट हो गया, 26 58। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करें, मेरे पास 3020 ये है, ये मेरे पास 2658 है। अगर मैं इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 के पोर्शन में जाएगा,
क्या मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 10 के साथ करता हूं तो 3020, अगर मैं 600 नीचे लेके आता हूं, 6 का मतलब 3, 2 या 6 होते हैं तो वो 24 पे आ जाते हैं। अगर मैं 9 पे करता हूं तो वो ग्रेटर हो जाता है, इस वजह से मैं 8 से करूंगा। 302 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है, 8 2 16 1 8 3 24, मेरे पास ये चीज बनती है 24 16। अब मैंने क्या किया, ये 8 के ऊपर गया, 8 3 0 2 8 ज़ार, तो आपके पास ये चीज बन गई। अब यहां से आपने सब्ट्रैक्ट किया, 8 - 6 कितने हो गए आपके पास, आपने ये टेबल जो है ये 10 तक कंप्लीट राइट कर लेना है, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 10 तक सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। अब यहां पर देखें, एट माइनस सिक्स टू, फाइव माइनस वन फोर, सिक्स माइनस फोर टू, 24 242। अब मैंने क्या करना है कि 7 वाला डिजिट एक नीचे लेके आना है, वो 2 है। जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास आंसर क्या आया था, ये वाला। अब ये क्या, ये कौन सा नंबर है, 2422। अब आपके पास 2416 है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर यही राइट कर दूंगा अगेन 8 के साथ, 2416। इसको मैंने अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या चीज बनी, ये 6, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो 7 से मैंने बारो किया तो मेरे पास 12 बन गया, 12 में से 6 माइनस किया 6, बाकी क्या चीज बची मेरे पास 6। अब ऊपर से नीचे की तरफ एक नंबर लेके आता हूं मैं, वन आ गया। एक चीज आपने नोट करनी है कि यहां पर आके आपके पास क्लोज हो जाता है, 61 बच जाता है। जब आपके पास 61 बचता है, क्या आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या इसके इक्वल बनता है, नहीं। तो फिर हम लोग क्या, हमें 7 डॉट लगा के नीचे डिजिट लाना पड़ेगा, जैसे डिजिट लाना पड़ेगा तो मुझे यहां पर 0 लगाना पड़ेगा 7, और जब मैं 0 लगा दूंगा इस नंबर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या ये आंसर बनता है। देखिए जरा, अब आपके पास ये 61 है, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, इससे आगे आप सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 61 जो है वो इससे लेस है और आगे हमारे पास कोई नंबर भी नहीं बचता, तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन और ये आपके पास डिवाइजर था और ये जो है आपके पास रिमाइंडर था और इसके अलावा आपके पास क्या चीज बनी थी, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड। आपने क्या चीज, आपने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, देखें जरा, अब आपने चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या इनकरेक्ट है। देखें, डिविडेंड इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी तरह जिस तरह आपने 3 डिजिट का किया है, इसी तरह 2 डिजिट का है, हमने पिछली क्लास में भी किया था, 2 डिजिट नंबर का भी इसी तरह आपने टेबल लिखना है और इसी तरह आपने नंबर्स को डिवाइड करना है। अब यहां पर देखें, डिविडेंड क्या था, 567,821 इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, 1880 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर क्या है, 302 प्लस 61। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही बन जाएगा, 567,821। ये आपने इसको कंप्लीट करना है, देखें जरा इसको, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी जब आप इसमें 61 ऐड करते हैं। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है, अदरवाइज आपको रिवाइज करना पड़ना है सारे के सारे क्वेश्चन को कि आपने कहीं पे कोई अपने कैलकुलेशन के दौरान कोई मिस्टेक तो नहीं की।
ये काम आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपके पास बुक पे होंगे, एक्सरसाइज में भी इसी तरह के क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपने याद रखना है कि मेथड वही है कि आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करें, रीड प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड आपने क्या करना है चेक। ये मेथड आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करें, स्टेटमेंट को गौर से देखें क्या स्टेटमेंट में गिवन है, फिर आपने प्लान करना है कि प्लान कैसे, कि आपने देखना है कि कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी आपने फाइंड आउट करनी है, फिर आपने सॉल्व करना है उसको, सॉल्व के बाद आपने एट द एंड अपने क्वेश्चन को जो आपने सोल्यूशन किया होता है उसको चेक करना होता है कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह आपने एक्सरसाइज जिसके क्वेश्चन करने हैं जो आपके समर पैक के ऊपर है या बुक के ऊपर एक्सरसाइजेस हैं। तो अब आ जाएं बुक की तरफ, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। स्टूडेंट्स अब आए एग्जांपल नंबर 15 की तरफ। प्रोसीजर सेम वही है जो हमने बोर्ड पे सीखा। आपने क्या करना है, आपने आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है डिविजन साइन से पहले, उसको आपने इस सिंबल के बिटवीन रखना है, के अंदर रख देना है। ये वाला नंबर है, राइट किया यहां पे और उसके बाद 22 के ऊपर डिवाइड किया। तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने 22 का या तो टेबल राइट कर लेंगे या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग टेबल छोटा सा राइट कर लेते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 1, 22 जा 22 वन जा 22 टू जा 44, 22 थ्री जा 66, 22 फोर जा 88 एंड सो ऑन। अभी देखते हैं कि क्या आपने फर्स्ट टू डिजिट नंबर को देखना है। अगर तो ये ग्रेटर नंबर है 22 से, तो फिर आपने उस टेबल को वहां तक रीड करना है यहां तक जो है वो 35 आ जाए। क्या 35 22 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो फिर हमने उससे स्मॉलेस्ट नंबर को देखना है जो उसके टेबल में आए। अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 22 आता है, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 44 आता है। इसलिए 44 जो है वो 35 से ग्रेटर हो जाता है। तो मुझे क्या, हमने लेस नंबर लेना है या इक्वल लेना है? अब हमारे पास कौन सा नंबर आया, 22 मैंने यहां राइट किया और उसके बाद इसको 35 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये स्टेप वन, हमारे पास 13 जो रिमाइंडर आता है उसके साथ, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है 8 को नीचे लेके आना है साथ। ये स्टेप टू में देखें, ये 8 नीचे आ गया और उसके बाद अगेन 22 को का टेबल जो है ना आपने रीड करते जाना है। अब मैंने यहां पर 4 तक रीड किया था लेकिन 88 बहुत लेस है, इसलिए मैं इसको 22 को जो है 5 तक भी ले जाऊंगा। 5 2 10 होते हैं, 1 5 2 10 प्लस 1 110। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट 22 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 132 आपके पास बनता है जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर राइट कर दिया, अगेन सेम प्रोसीजर के साथ आपने इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट करना है और 6 रिमाइंडर आता है, 6 के साथ ऊपर से नया नंबर लेके आना है। अब जब आप नया नंबर लेके आए वो 66 है, जब आपके पास 66 है, 66 को 22 3 66 होते हैं, तो वो मैंने यहां पर राइट कर दिया। अब बाकी जो मेरे पास 0 बचता था, ऊपर वाले भी 0 बचते थे, इन 0 को हम लोगों ने उठा के ऊपर राइट कर दिया, तो आपके पास ये आंसर बन गया। अब जो फर्स्ट है आपके पास 358,600 डिवाइडेड बाय 22, इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये क्वोशेंट आता है और ये आपके पास डिवाइजर आता है और ये डिविडेंड आता है। अब आपके पास जो स्टेप नंबर 4 है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है इसी तरह स्टेप 4 से। जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एट द एंड ये रिजल्ट आपने राइट करना है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 16 आपने कंप्लीट करनी है, लेकिन एक ही सिंबल के अंदर आपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है जिस तरह मैंने आपको बोर्ड के ऊपर सिखाया था। नेक्स्ट स्टूडेंट अब पेज नंबर 18 पे आए, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का तरीका मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि प्रॉब्लम को रीड करना है, प्रॉब्लम रीडिंग।
और उसको फिर पार्ट्स में ब्रेकअप करना है प्लान टू सॉल्व एंड देन उसका सॉल्यूशन बनाना है एंड देन चेक। ये देखें जरा स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को रीड किया था, प्राइस ऑफ अ बॉल इज 92। ये यहां तक आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी बॉल्स कैन बी बॉट इन रुपीज दिस वन, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। आपने प्रॉब्लम को अगेन एंड अगेन रीड करना है जहां तक के समझ नहीं आ जाती। आपके पास वन बॉल की प्राइस गिवन है, आपने कितनी बॉल्स खरीद सकते हैं इतने पैसों से, आपके पास मैक्सिमम नंबर गिवन है, नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है। ये देखें गिवन फैक्ट्स और राइट कर दें। जब आप प्लानिंग में आते हैं, आपने रीड कर लिया, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गई आपको, आपने फिर उसके बाद प्लान करना है, गिवन फैक्ट राइट करें, टोटल अमाउंट गिवन कितनी है, प्राइस ऑफ अ बॉल कितनी है और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉल्स, हाउ मेनी टोटल बॉल्स। अब यहां पर आपका सोचने का काम है कि यहां पर आपके पास मैक्सिमम अमाउंट है, नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है, प्राइस ऑफ वन बॉल गिवन है, प्राइसेस गिवन है, नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है। उसके लिए हमारे हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का प्रोसीजर आपको पता है, लार्जेस्ट नंबर यहां पर आ जाएगा इस साइन के अंदर, डिवीजन साइन के अंदर, और 92 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि 92 का टेबल साइड पर राइट कर लें। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है, आप मैक्सिमम डिजिट तक मल्टीप्लीकेशन सीख चुके हैं, सिक्स डिजिट से भी ज्यादा तक आप कर सकते हैं आप। तो इसी तरह आपने 92 को का टेबल राइट कर लेना है, वन से लेकर एट तक राइट कर लें, या मैक्सिमम 10 तक राइट कर लें, इट्स अप टू यू। अब जब आप टेबल राइट कर लेंगे, ये आपके लिए आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। अब आप देखें कि 35 है, 35 जो है वो 92 से लेस है, इसलिए हम लोग 6 भी साथ मिलाएंगे। जब 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 276 आता है, अगर 4 के साथ करेंगे तो 368 बन जाता है, और 368 जो है वो ग्रेटर है 356 से, सो हम लोग 276 लिखेंगे, 80 रिमेनिंग आता है और फिर 0 नीचे लेके आए। तो जो प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रोसीजर आपने डिविजन का यूज किया, उसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 18, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपने ये वाली एग्जाम्पल किया। क्या है, कॉस्ट ऑफ अ हैन इज रुपीज 215, हाउ मेनी हैंस कैन बी बॉट इन, नंबर ऑफ हैंस, वहां पर नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी थी, यहां पर नंबर ऑफ हैंस फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर, प्लान करें, गिवन फैक्ट्स राइट करें और देन अप्लाई करें कौन सा मेथड होना है, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कर दें। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, आपके पास पेज नंबर 19 है, एक्सरसाइज 1C। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का आपने करना है, इन नंबर्स को आपने डिवाइड करना है गिवन नंबर्स के ऊपर। पार्ट 1 है, डिवीजन का प्रोसीजर आपको पता है, ये काम कंप्लीट करके आपने अपने टीचर को चेक करवाना है। यहां पर आपने किसी से हेल्प नहीं लेनी, अपना ब्रेन यूज करना है इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए। तरीका वही है, इस सारे नंबर को आप 52, 260 इसके ऊपर डिवाइड करें। किस तरह करेंगे, 15 नीचे सॉल्यूशन लिखें, 52, 260, 15 बिल्कुल वैसा ही पुराना तरीका जो आपने एग्जाम्पल्स में किया है। 15 3s are, जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की तो आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको टेबल्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब इसमें से माइनस किया तो आपके पास 7 आ गया, 2 नीचे आया, अगेन 4, ये 60 होता है, इसको आपने एंड सो ऑन कंटिन्यू आगे कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को उन्हीं मेथड से आपने करना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करें कि इसमें क्या करना है। मिस्टर अहमद इज अ सेल्स मैनेजर एट अ मोबाइल कंपनी, हिज सैलरी इंक्लूड्स कमीशन एंड बेसिक सैलरी,
उसकी सैलरी में कमीशन भी है और बेसिक सैलरी भी है। अब देखें, हिज बेसिक सैलरी इज रुपीज 25,000 पर मंथ एंड ही इज गिवन रुपीज 325 फॉर द सेल्स ऑफ ईच मोबाइल। एक मोबाइल सेल करता है तो उसकी इतनी जो है वो 325 रुपीज बनते हैं। इफ हिज टोटल सैलरी फॉर लास्ट मंथ वाज दिस वन 227,800, हाउ मेनी मोबाइल्स डेड ही सेल लास्ट मंथ। बेसिक सैलरी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आंसर आएगा उसको आप 325 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मोबाइल्स आ जाएंगे। आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी मोबाइल्स डिड ही सेल लास्ट मंथ। तरीका क्या बताया है, 25,000 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा उसको 325 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है नंबर ऑफ मोबाइल्स आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि ये उसकी बेसिक सैलरी है, जो कमीशन मिल रहा है वो सिर्फ और मोबाइल की सेल्स के ऊपर है। सो स्टूडेंट्स, चलें तो अब हम समर पैक की तरफ आते हैं, वहां से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 ओपन करें, ये पजल है, ये आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट एक्टिविटी है आपके पास, 545 को 5 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है, 5 1 5 0 9 1 0 9। अब अगेन 1200 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर इधर आएगा इसको इसके साथ डिवाइड करें तो यहां पर आंसर लिख दें। सिमिलरली 1526 को 109 पे डिवाइड करें तो यहां पर आंसर लिख दें। सो आपने ये पजल कंप्लीट करनी है, और ये जो क्वेश्चन है ये डिवाइड करने हैं, सारे डिवीजन का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। थर्ड पे है, कंपनी मेड 897 ट्रेन टॉयज विद रुपीज, जो है इसके पास टोटल रुपीज जो कॉस्ट है इतनी बनती है 107,640, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन ट्रेन टॉय। ये आपने डिवाइड करना है, डिवाइड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 897 टॉयज, कॉस्ट ऑफ 897 टॉयज वो कितनी है, वो आप राइट करें आर एस, ये जो है अगेन कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल वो कितनी है, ये आपने फाइंड करनी है, डिवाइड करना है इसको। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें इसको रिवाइज करते हैं। हमने ये सीखा कि नंबर्स को, जो सिक्स डिजिट नंबर्स थे उनको टू डिजिट और थ्री डिजिट नंबर्स के ऊपर किस तरह डिवाइड करना है। फिर हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इन डिफरेंट मेथड्स, और यहां पर मैंने 4 स्टेप्स बताए थे कि किस तरह उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और किस तरह देन आप सॉल्व करते हैं, इन्वॉल्विंग मिक्स्ड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चीजें हम लोगों ने आज लर्न की। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी जगह पर कुछ समझ नहीं आया या कोई आपका क्वेश्चन है या सजेशन है, यू कैन राइट अस एट mathematics@thereteofcantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next lecture. Allah Hafiz.